गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज हम मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की यात्रा करेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि सिद्धिविनायक मंदिर कैसे जाए और दर्शन लेने के बाद आप और कहाँ कहाँ घूम सकते हो, और ये भी जानेंगे कि आप मुंबई में क्या खा सकते हो और आपको मुंबई पूरी मुंबई घूमने के लिए आपको कुल खर्चा कितना आ सकता है। सो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर पूरे महाराष्ट्र में फेमस है, स्पेशली मुंबई में। ये मंदिर लगभग 200 साल पुराना है, काफी लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पे मंगलवार के दिन रहती है। फिलहाल कोरोना स्थिति में मंदिर में भक्तों को आना मना है, लेकिन मंदिर के ट्रस्ट ने ऑनलाइन दर्शन स्टार्ट किया है। सो आप बाय यूट्यूब से आप यहाँ पे ऑनलाइन दर्शन हम कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम सिद्धिविनायक मंदिर कैसे पहुंचे। हमारे पास तीन ऑप्शन है सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचने के लिए, बाय ट्रेन से, बाय फ्लाइट से, या फिर आप बाय पर्सनल कार से। अगर हम बात करें बाय ट्रेन से, अगर आप मुंबई से आ रहे हो तो आपको दादर स्टेशन उतरना पड़ेगा, फिर वहां से आपको टैक्सी या फिर ऑटो करके आप वहां से जा सकते हो, जिसका किराया आपको 30 से 40 रुपये आपको पड़ जाएगा। अगर आप पनवेल या फिर रायगढ़ से आ रहे हो तो आपको डायरेक्ट दादर उतरना पड़ेगा, उसके लिए पहले आपको कुर्ला उतरना पड़ेगा, फिर कुर्ला से ट्रेन चेंज करके आपको दादर में जाना पड़ेगा, फिर वहां से आपको बाय कार से या फिर आप बाय टैक्सी से आगे जा सकते हो। अगर हम बात करें फ्लाइट की, अगर आप किसी अन्य सिटी से आ रहे हो मुंबई छोड़ के, लाइक दिल्ली से या फिर कहीं और से, तो आपको फ्लाइट का ऑप्शन आपको बेस्ट रहेगा। सो फ्लाइट के लिए आपको मुंबई एयरपोर्ट सबसे नज़दीक एयरपोर्ट है, फिर मुंबई एयरपोर्ट से आप बाय कार से या फिर बाय टैक्सी से आप सिद्धिविनायक मंदिर आप डायरेक्ट आ सकते हो। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास पर्सनल कार, अगर मुंबई से आ रहे हो या फिर किसी आप अन्य सिटी से आ रहे हो तो आप बाय पर्सनल कार से भी आ सकते हो। आपको सिंपली गूगल मैप लगा के आपको सिद्धिविनायक दर्शन आप डायरेक्ट जा सकते हो। फोर्थ ऑप्शन है बाय बस का, आपको मुंबई में हर जगह से आपको मुंबई या फिर दादर आने के लिए आपको बस मिल जाएगी। सो आप आपके बस डिपो से आपकी बस आप चॉइस करके आप डायरेक्टली सिद्धिविनायक मंदिर जा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम सिद्धिविनायक मंदिर पहुंच चुके हैं, सबसे पहले हम दर्शन की तैयारी कर लेते हैं। तो हम मंदिर में पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो मंदिर काफी सुंदर है, और आप गणपति बप्पा का नाम लेके आप दर्शन कर लीजिए और आपकी मनोकामना मांग लीजिए। मूर्ति की बात करें तो यह मूर्ति चतुर्भुजी बनाई गई है। मंदिर में एक और चांदी का बड़ा मूषक है, जिसके कानों में आप आपकी मनोकामना मांग सकते हैं। लोगों का मानना है कि अगर आपको कोई भी मनोकामना मांगनी है तो आप इस चांदी के मूषक के कानों में मांग लीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो चलिए दोस्तों, दर्शन हमारा हो चुका है, अब हम कुछ खाने पीने की देख लेते हैं। मुंबई में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे खाने पीने के लिए, आपको हर रिलीजन का हर टाइप का आपको फूड यहाँ पे आपको विथ रीजनेबल रेट में आपको मिल जाएगा। स्पेशली अगर आप मुंबई में आ रहे हो किसी अन्य सिटी से तो आप मिसल या फिर मुंबई का फेमस वड़ा पाव खाना ना भूलिए। सो चलिए दोस्तों, खाने पीने के बाद हम और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है मुंबई में घूमने के लिए, उसमें से मैं कुछ पाँच छः प्लेसेस आपको बता रहा हूँ। उसमें से पहले प्लेस है आप मरीन ड्राइव जरूर जाए, काफ़ी नज़दीक है दादर स्टेशन से, दादर चौपाटी भी जा सकते हो। दूसरा है ताज होटल, तीसरा है गेटवे ऑफ इंडिया, चौथा है जीजा माता उद्यान, जहाँ पे जू है वहाँ पे भी आप आराम से जा सकते हो। पांचवा है बैंडस्टैंड बांद्रा, छठवा है एलिफेंटा केव्स, और सातवा है हजियाली। ये कुछ पांच छह प्लेसेस मैंने बताए आप यहाँ पे, ये सारी प्लेसेस आप एक दिन में एक्सप्लोर इजीली कर सकते हो। सो ये प्लेसेस आप जरूर जाए अगर आप मुंबई में विजिट करते हो तो। अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो आप कौन से भी सिटी से अगर आ रहे हो तो यहाँ पे मराठी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे हिंदी वगैरह सब लोगों को आ जाती है, तो आपको लैंग्वेज की कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो अगर हम बात करें बेस्ट टाइम यहाँ पे आने का, तो सितंबर से फरवरी काफ़ी बेस्ट टाइम है यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि फरवरी के बाद यहाँ पे बहुत सारी गर्मी होती है। सो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सो आप मेक श्योर करें कि आप सितंबर से फेब में आए, आप ट्राई करें कि सितंबर में आए, क्योंकि सितंबर में गणेश फेस्टिवल होता है। सो आपको काफ़ी सारी प्लेसेस आपको एक्सप्लोर करने मिल जाएंगी और आप पूरा इंजॉय कर सकते हो। अगर हम बात करें सेफ्टी की, मुंबई काफ़ी सेफ है, अगर आप अकेले भी आते हो तो आप रात को भी अकेले घूम सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। ये सारी प्लेसेस घूमने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, उसमें से पहला ऑप्शन है टैक्सी या फिर आप ऑटो। आपको टैक्सी और ऑटो हर जगह पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप बाइक रेंट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो बाय यूजिंग थर्ड पार्टी ऐप। लोकल ट्रेन है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो अन्य प्लेसेस घूमने के लिए। सो बेस्ट रहेगा अगर आप अकेले आ रहे हो तो आप बाइक रेंट कर सकते हो, तो वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप टैक्सी या फिर ऑटो में घूम सकते हो। तो बात करते हैं कि हमें कितने दिन मुंबई में रहना चाहिए। अगर आप बाहर से आ रहे हो तो
तो आपको एक दिन जरूर स्टे करना चाहिए। अगर आप लोकल हो तो ये सारी प्लेसेस आप एक दिन में एक्सप्लोर करके आप घर इजीली जा सकते हो। सो एक दिन स्टे जरूर करना चाहिए। अगर आप बाहर से आ रहे हो तो आपको होटल का रेंट लगभग 700-800 रुपये आपको आ जाएगा। सो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कुल खर्चा कितना आ सकता है। अगर हम बात करें, अगर आप मुंबई से हो तो आपको यही खर्चा आपको खाने पीने के साथ 700-800 रुपये आ सकता है। प्लीज़ ये 700-800 रुपये में आप ट्रेन का सफ़र, सिद्धिविनायक जाने का सफ़र और सिद्धिविनायक मंदिर लेने के बाद आपको खाने पीने का और ये सारी प्लेसेस मैंने जो बताई 6-7 प्लेसेस वो घूमने का खर्चा आपको 700-800 रुपये में आपका पूरा एक्सप्लोर करके हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुंबई के बाहर से हो और एक दिन आप स्टे करना चाहते हो तो वही आपको खर्चा आपको 2000 के आसपास आ जाएगा, जो कि आपको एक दिन रह सकते हो, ये पूरी प्लेसेस आप घूम सकते हो और आप खाना भी खा सकते हो। तो ये खर्चा पर पर्सन आपको आ जाएगा। सो ये थी कुछ सिद्धिविनायक मंदिर के बारे में बातें और मुंबई के कुछ प्लेसेस के बारे में बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।